तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन सीएम योगी ने नेता विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने दुष्यंत कुमार की कविता के जरिए तंज कसा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता विपक्ष की बातों का खामियाजा यूपी ने भुगता है। सीएम योगी ने कहा कि लोग गाते गाते चिल्लाने लगे, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। तो क्या कुछ हुआ सदन में, क्या कुछ कहा गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, वो हम आपको बता रहे हैं आज तंज कसा बातों बातों में। और शेर व शायरी भी हुई। मुख्यमंत्री ने कहा गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। मैं देख रहा था कि अचानक अपने भाषण को आगे बढ़ाते बढ़ाते नेता प्रतिपक्ष उस दिन बाद में कुछ ऐसे मुद्दों पे आ गए जिनका बजट से संभवतः बहुत वास्ता रहा हो या न रहा हो। और कुछ ऐसी बातों को इस सदन में कहने लग गए थे जिसका खामियाजा प्रदेश अतीत में बहुत भोग चुका है, आज से उभर चुका है प्रदेश। उत्तर प्रदेश आज एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। लेकिन उनके भाषण से मुझे दुष्यंत कुमार की पंक्तियां याद आ गईं कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। भाषण बजट पर केंद्रित होते तो लोग मानते, जो भी रहा होगा, मैं खैर उस पर आऊंगा अभी। लेकिन बजट पर ये भाषण केंद्रित होता क्योंकि प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेगा। और यद्यपि हमारी भारतीय संस्कृति तो इस बात को मानती है कि शब्द ब्रह्म है, हम जो बोलते हैं वो नष्ट नहीं होता है, और फिर यहां पर जो कुछ बोलते हैं वो विधानसभा की प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेगा, विधानसभा की प्रॉपर्टी का हिस्सा बनेगा। जब तक हमारा लोकतंत्र है तब तक यहां की दीवारों में, यहां की लाइब्रेरी का हिस्सा होगा और आने वाली पीढ़ी को निरंतर उन सब बातों की तरफ सोचने के लिए मजबूत करेगा कि कैसे लोगों ने क्या बात कब कही थी। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेता विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी के नाम पर स्कीम नहीं बनाई, आपकी सोच में समस्या रही होगी लेकिन हम समाधान के बारे में सोचते हैं। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपकी सोच में समस्या है और हम समाधान के बारे में सोचते हैं। लेकिन सरकार की मंशा सही हो, और इसीलिए मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा। एक मनीषी ने बहुत अच्छी बात कही और मुझे लगता है कि हम परिणाम दे पा रहे हैं, उसके कारण क्या हैं, आप परिणाम नहीं दे पाए तो उसमें क्या है, इसका भी फर्क साफ है। फर्क साफ है, और फर्क साफ क्या है कि आप समस्या के बारे में सोचते हैं, हम समाधान के बारे में सोचते हैं। क्योंकि जब समस्या के बारे में कोई व्यक्ति सोचता है तो उसको बहाने 10 मिल जाते हैं, जब समाधान के बारे में सोचते हैं तो हमें रास्ते मिल जाते हैं। हमें इस बात को याद रखना होगा कि उत्तम समय कभी नहीं आता है, समय को तो उत्तम बनाना पड़ता है और हम लोगों ने उस समय को ही उत्तम बनाया है। यही फर्क है। भारतीय जनता पार्टी में और समाजवादी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी समाधान निकाल करके लाती है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए क्या कुछ किया जाना है उसका समाधान भी हमारे पास है, और उस प्रकार की योजनाएं बनती हैं, उन योजनाओं को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हीं योजनाओं को फिर
ईमानदारी के साथ क्रियान्वयन कैसे होना है, उन्हीं को लेकर के जब सरकार आगे बढ़ती है तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि शिवपाल जी से ही कुछ सीखा होता। गाय का गोबर समृद्धि का प्रतीक है, कृषि प्रधान व्यवस्था में गोबर अहम है, नए भारत के नए यूपी का निर्माण हो रहा है, अब यूपी को अलग नजरों से देखा जा रहा है। क्या कुछ कहा गया सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से वो हम आपको बता रहे हैं। अब यूपी को अलग नजरों से देखा जा रहा है, ये सदन में उन्होंने कहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। देश और दुनिया में हर व्यक्ति आज एक विश्वास की नजरों से उत्तर प्रदेश को देख रहा है। लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश जिन संभावनाओं वाला प्रदेश था, आज बहुत स्पष्ट तस्वीर दिखाई दे रही है। अगले 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश कहां होगा, यह देखने की स्थिति उसके सामने होगी। मैं देखता था माननीय नेता प्रतिपक्ष को, एक तरफ किसान की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ उन्हें गोबर में बदबू नजर आ रही थी। कैसी विडंबना है। गोबर तो हमारे यहां गाय का गोबर तो बड़ा पवित्र माना गया है, और मुझे लगता है कि थोड़ा भी नेता प्रतिपक्ष हम लोगों से नहीं मानते, हो सकता है पूजा ना करते हो, लेकिन मैं वही आ रहा हूं। मुझे लगता है कि अगर आपने चचा शिवपाल जी से ही कुछ सीखा होता पूजा कैसे होती है, और पूजा में जब स्वीकार कर ली ना, आप देखते होंगे घरों में जब पूजा होती है हर एक जगह मूर्ति नहीं होती। गाय का गोबर, आप इसीलिए चाचा के संपर्क में आने का परिणाम है ये। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आप उस गोवर्धन को कहते थे कि गोबर हमें नहीं चाहिए। आप मुझे बताइए, कृषि प्रधान देश भारत, भारत की कृषि प्रधान व्यवस्था बगैर गाय की नहीं हो सकती, और बगैर गाय के गोबर से नहीं हो सकती है। गाय के गोबर यानी ये पूजा से लेकर के संस्कार से लेकर के भारत की कृषि प्रधान व्यवस्था को, जो हम लोग नेचुरल फार्मिंग के नए कार्यक्रम को लेकर के आ रहे हैं, ये नेचुरल, लेकिन आपको गाय के गोबर में बदबू आती है, क्योंकि अगर आपने पूजा किया होता और गाय के गोबर को लक्ष्मी के रूप में रखा होता तो भारत की समृद्धि का प्रतीक तो वहीं से प्रारंभ होता है। और सीएम ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने कन्नौज की चिंता जरूर की, आपके इत्र वाले मित्र तो बहुत कुछ गुल खिला रहे थे, लेकिन इत्र उद्योग के लिए बीजेपी सरकार ने ईमानदारी से काम किया है। वर्तमान में अकेले कन्नौज से इत्र का 800 करोड़ का व्यापार हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने अगर गौ सेवा की होती तो उसी तरह बोले भी होते, लेकिन भाषण में भैंस के दूध का ज्यादा असर दिखाई दे रहा था, गाय का कम। ऐसे प्रोडक्ट भी उससे बनाए जा सकते हैं जो हर एक किसान का और पशुपालक के जीवन में भी व्यापक परिवर्तन का कारण बनेगा। केवल दूध पीने तक ही सीमित मत रखिए, और मुझे लगता है कि अगर गाय का दूध के बजाय मुझे लगता है कि गौ माता की सेवा सचमुच किए होते नेता प्रतिपक्ष, तो संभवतः गाय माता की भाषा बोले भी होते, बड़ी सार्वबुद्धि से अपनी बात कहे होते, लेकिन भैंस के दूध का ज्यादा असर भाषण में दिखाई दे रहा था, गाय का कम था। लेकिन फैट कंटेंट की जिससे लोग, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, और उनको जिस रूप में कार्य करना है तो लोग बोलते हैं तो भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो लोग उसी तर्ज पर काम करने में ज्यादा विश्वास करते हैं इसलिए। लेकिन कन्नौज की चिंता उन्होंने जरूर की, कन्नौज के बारे में उन्होंने कहा था, और मैं
जरूर नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि आपके इत्र वाले मित्र तो बहुत कुछ गुल खिला रहे थे, लेकिन इत्र उद्योग के लिए ईमानदारी के साथ कार्य हम लोगों ने किया है और जो कार्य हुआ है, हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी इत्र को कन्नौज के साथ ही जोड़ा है। हमारे वहां के माननीय सांसद श्री सुब्रत पाठक जी लगातार इसके लिए यहां प्रयास कर रहे थे और उनके द्वारा भी इस बारे में कहा गया। वर्तमान में इत्र का 800 करोड़ रुपए का व्यापार हो रहा है वहां से, अकेले कन्नौज से, लेकिन इसको एक व्यवस्थित प्रक्रिया के साथ पिछले 5 वर्ष में 55 नई इकाइयां लगी हैं आपकी कन्नौज में। और सीएम योगी ने पिछली सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सिर्फ घोषणा करने में माहिर थे, आप लोग कुछ नहीं करते थे, आप ओडीओपी पर हंस रहे थे, यूपी अब संभावनाओं का प्रदेश है। क्या कुछ कहा गया वो हम आपको बता रहे हैं। घोषणा करने में बड़ी माहिर थे लेकिन करते कुछ नहीं थे। 2017 में परियोजना के लिए 30 एकड़ खेती, जो 30 एकड़ जो उसके लिए लैंड थी, उसमें हम लोगों ने उस पार्क के लिए जो आवश्यकता थी उसमें 50 एकड़ का प्रावधान राज्य सरकार ने किया है, जिसमें से 30 एकड़ पर इत्र पार्क और संग्रहालय कन्नौज के नाम पर इस कार्यक्रम को राज्य सरकार आगे बढ़ा चुकी है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान भी किया गया। 30 एकड़ भूमि पर बाउंड्री वॉल के निर्माण का कार्य और अन्य जो बुनियादी सुविधाएं हैं उस कार्यक्रम को भी हम लोग आगे बढ़ा चुके हैं। IIT कानपुर को थर्ड पार्टी के रूप में इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है और वहां पर व्यवस्थित विकास की प्रक्रिया के साथ राज्य सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रही है। और मुझे लगता है कि ये कन्नौज की इत्र की खुशबू वैश्विक स्तर पर अब दमक रही है क्योंकि सरकार ने उसको प्रोत्साहन दिया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से। आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर हंस रहे थे, ये क्या है? ये हमारी परंपरागत उद्यम का हिस्सा है, उन्हें प्रोत्साहन करने का, ये हमारे पूर्वजों की एक थाती है हमें जो विरासत में प्राप्त हुई। हजारों वर्षों से जिन लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से उत्तर प्रदेश को उस संभावनाओं का प्रदेश बनाया था, यह हमारी विरासत का प्रतीक है। और इसीलिए आज देश के सबसे अधिक GI प्रोडक्ट यूपी के अंदर प्राप्त हो रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को विधानसभा में एक किस्सा सुनाया। इस किस्से को सुनकर विधानसभा में उपस्थित सभी विधायकों के साथ सीएम योगी भी जमकर हंसे। दरअसल अखिलेश यादव ने अपने किस्से में एक स्कूली बच्चे का जिक्र किया और कहा कि किस तरह उन्हें एक स्कूली बच्चे ने राहुल गांधी बता दिया था। और मैं अपनी भी कमी जानता हूं, जब मैं एक स्कूल में गया, मैं जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे, तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हाँ मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूं मैं,